आगे में हूँ। मैं सबसे आगे में ट्रैकिंग में चल रहा हूँ, शेरवेर बैठा रहा तो मुझे लेके जाएगा भाई 100%। लैला मजनू आते, उन्होंने नाम लिख के रखा है प्लीज, अरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी है ये चीज। काम शास्त्र पढ़ाओ भाई पहले। हाँ ना, उनको लैला मजनू के खजुराव लेके जाओ, कामा सूत्र पढ़ाओ। वही तो, और ये कोई मतलब वल्गर नहीं है, वल्गर नहीं। अंदर गया है, अभी देखते हैं, डायरेक्ट उधर से निकलेगा गोला। रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए, रिटर्न जाना पड़ेगा। हाँ नहीं, रिटर्न नहीं जाना पड़ेगा। ए भाऊ रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। काल पिक्चर वाला कहानी हो सकती है, आप ही होंगे ना, तो काल वाले जो है विलन के रोल में, और हम हीरो है यहाँ पे, हमारे तो वाटिक लग जाएंगे इसी से तो। क्योंकि मैं रास्तों के मामले में, जंगल के रास्तों के मामले में मैं दिमाग नहीं दौड़ा था भाई ज्यादा, क्योंकि बुलबुल ही आए, जंगल बोले तो बुलबुल ही था, जंगल से कभी खिलवाड़ मत करो। रास्ता है ना, देखो भाई अंदर में शेर भी रह सकता है, शेर भी रह सकता ना अंदर, अंदर में शेर भी रह सकता है बोलते। ए भाई अभिषेक भाई, ये रानी कुंड है जहाँ पे रानियां लोग नहाने के लिए आती थी। इतनी गंदे गंदे चीजें यहाँ पे फेंकी हुई है, सीरियसली वो नहीं दिखा सकता मैं वीडियो में। ये लैला मजनू को समझाओ यार प्लीज। चलो भाई, हमारे फाइनली हम अपने स्पॉट पे पहुंच गए। देखो यार, मध्य चांदा वन विभाग चंद्रपुर, यहाँ पे जा रहे अपन, है कि नहीं अभिषेक? चलो भाई अभिषेक, कैसा लग रहा स्पॉट पे पहुंच के भाई? जो 15 किलोमीटर रहे ना वो मजा आया ना, नेक्स्ट लेवल। चलो फिर आगे बढ़ते। हाँ मुंह धोलो, चलो मुंह धो लेते। तो गाइस यार अभी हम बहुत थके हैं, क्या है बताओ, बंडाना भी उतार लेते, पूरे बाल चिपक गए यार, है कि नहीं? मुंह धो लेते और आगे में बढ़ते। बहुत तगड़ा स्पॉट है भाई ये, बहुत ही तगड़ा साहिब। इधर क्या नीचे मंदिर है, फोर्ट ऊपर है। अरे आप भैया देखो, ऊपर में फोर्ट है बोलते साहब और नीचे में मंदिर है, तो भाई इंजॉय करते यार, हम लोग तो मजे कर रहे हैं। आप लोगों को भी आना है तो आ सकते हैं। ये वाला कौन? मानिकगढ़ किला भाई साहब, तो मानिकगढ़ किले में आए हुए हैं फोर्ट में, जो चंद्रपुर के पास में है ना, चंद्रपुर के पास में। तो भैया इंजॉय कर सकते हैं, नागपुर की पब्लिक और नागपुर के बाहर की भी पब्लिक आ सकती है यहाँ पे घूमने के लिए अपने फैमिली को लेके, है कि नहीं? तो फिर इंजॉय करो यार। चलो फिर भाई आगे बढ़ रहे, अभी धीरे 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 ये रोड का भी काम शुरू है जबरदस्त, ठीक है? देखो भाई बैरियर है, बैरियर के ऊपर में हम लोग जा रहे हैं भाई। ये वाला ये ऑफ रोड ही है पूरा, वॉकिंग ट्रैकिंग करते हुए जाने का है, है ना? 3-4 मिनट का ट्रैकिंग है भाई। तो भाई अभी 3-4 मिनट का ट्रैकिंग है, हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। भंडाना भी नहीं खोला क्योंकि यार पूरे बाल चिपक गए पसीने से, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है यहाँ पे कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है। और बढ़ रहे हैं ट्रैकिंग की तरफ में, आप देखो यार ट्रैकिंग स्ट्रीट में जा रहे है कि नहीं? 3-4 किलोमीटर ही है बोलते ट्रैकिंग। तो फिर बढ़ते यार आगे में, देखते क्या होता क्या नहीं, और बता दे आपको रस्ते के नज़ारे वगैरह और पूरे डिटेल्स। किसको पता रहेगा अभिषेक के, इसके वाले थोड़ा बहुत पता है, वेरी गुड। तो आगे में एक्सप्लेन कर देना फिर, है कि नहीं भाई? का ये पहला गेट है कि नहीं? तो ये कब यानी कि इसका कब हुआ था ये गेट? ये कुछ है क्या बेसिकली? जो किला है, हाँ, ये माना नागा करके किंग थे, उनका ये किला। अच्छा, और ये किला बना गया था 6th सेंचुरी में। अच्छा, 6th या 9th सेंचुरी में। हाँ, अब यहाँ के जो लोकल है वो ये बोलते हैं कि किला जो है वो गोंड राजा का था। ओके, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसका नाम मानिकगढ़ इसलिए दिया है क्योंकि इसके राजा का नाम था माना नागा किंग। ओके, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जगह जगह पे सिंह है, ठीक है, उसके बाद में हाथी है, उसके बाद में सांप भी है। ओके, तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो बनाया है वो यही ये दर्शाता है कि ये जो चिन्ह है वो गोंड राजा का है। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सारे के सारे चिन्ह आपको दिखते हैं। हाँ, यानी कि देखो सांप की भी है, हाँ, और हाथी की भी है, हाथी की भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं भाई? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेने का ले सकते हो और पढ़ सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, ये तोप है क्या भाई? कितना पुराना तोप है भाई? तोप मिल गया भाई, 500-600 साल पुराना या उससे भी ज्यादा है ना, बहुत पुराना तो भाई। कितना खतरनाक तोप है यार ये, बहुत ही जबरदस्त। वाह, क्या क्या चीज़ मिलती है यार हिस्ट्री की अपनी, है कि नहीं? बहुत सही सही चीज़ें मिलती क्या, है कि नहीं? तो फिर आ जाओ, देखते हैं आगे का नज़ारा भाई। देखो कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, चलो दिखाते आगे बढ़ते और आपको दिखाते अच्छे अच्छे नज़ारे। आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है अभिषेक भाई को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताइए तो आपको बताते हुए जाएंगे, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं इसके बारे में। ये फोर्ट का मैंने नाम भी नहीं सुना था, अभिषेक भाई को पता है फोर्ट ये, इसलिए
यहाँ पे हम लोग आए क्योंकि बाकी के टूर यानी कि जितना भी टूर थे हमारे आज कैंसिल हो गए, जहाँ पे भी जाने वाले थे बारिश की वजह से। और यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा धूप है, थक गए यार ट्रैकिंग करके, इसलिए बात करना भी मुश्किल हो रही है। बट आपको जो भी है बहुत अच्छे तरीके से फोर्ट दिखाया जाएगा, ये वाला मानिकगढ़ फोर्ट। तो देखो यार ये भी देखो, अभी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से जाना पड़ता है, पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड है कि नहीं, पूरा ऑफ रोड है यहाँ पे, है ना, पूरा ऑफ रोड है। श्रीराज भाई भी अपने साथ ही है। देखो यार क्या मस्त लग रहा है इधर से, बहुत ही बेहतरीन है इधर से। कीड़ों का आवाज़ भी आ रहा है, जंगल में आओ तो कीड़ों का आवाज़ आता ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत ही मस्त लग रहा है यार भाई। चलो फिर बढ़ते आगे, मैं आपको दिखाते फोर्ट के नज़ारे। खुफिया रास्ता ही है, खुफिया रास्ता ही है। हाँ, वो खुफिया रास्ता देख रहा था। हाँ वहाँ इसलिए खुफिया रास्ता था भाई। चलो आगे में बढ़ते, संभल के चलना अपने को भाई, क्योंकि स्लीपरी है, ठीक है। देखो भाई इतना शानदार है भाई, ये गाइस देखने लायक है भाई फोर्ट है, पब्लिक आ सकती है पूरी। देखो कितना मस्त लग रहा है, वाह सीरियसली बहुत ही मस्त। और ये स्टोन देखो यार, बड़ा अलग ही स्टोन है, मैं हाथ लगा रहा हूँ, बहुत ही अलग स्टोन है। देखो ये स्टोन बहुत अलग है, पर बहुत पुराने स्टोन है, पैटर्न बहुत ही अलग है। देखो ना यार कितना पैटर्न, कितना अलग है इसका। बढ़ते भाई पूरा खुफिया, शेर वेर ना आ जाए। अब अगर मैं किले के बारे में बात करूं, हाँ, ये किला पहले कंट्रोल किया गया था, हाँ, मराठास के द्वारा, ओके, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, फिर उसके बाद आया ब्रिटिश रूल, ओके, और फिर इसके बाद ये, हाँ, जैसा कि जैसा का वैसा अभी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, बहुत ही बेहतर। स्तूपा दिख रही है यार, बुद्धिस्ट स्तूपा जैसे दिख रहा है कुछ। देखो देखो भाई थोड़ा सा देख के, भाई तिलक का क्या रख दिया यार ये भाई, ये गंदगी पनाह मत करो, लड़के लड़कियों का नाम मत लिखो यार, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और अपनी हिस्ट्री के जो लोग हैं पुराने लोगों की प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये नाम वाम लिख के रखे लोगों ने, ये गलत बात है भाई। हाँ नहीं ये गलत है भाई, है कि नहीं भाई। देखो बहुत ही बेहतरीन है ये सारा का सारा, बहुत ही मजबूत, आगे बढ़ रहे, ठीक है ना। तो गाइस ये फोर्ट में आप लोग अपनी फैमिली भी लेके आ सकते हो, लेके आओ यार अपनी फैमिली को, देखने लायक फोर्ट ही है मानिकगढ़ फोर्ट जो चंद्रपुर के पास में। प्लीज़ यार अपनी फैमिली को लेके आओ, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इसके बारे में, तो प्लीज़ यार हाँ मस्त पिकनिक बनाने के लिए आओ, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ यार एक बार विजिट देना मंगता है। हाँ वहाँ से आपने मानिकगढ़ फोर्ट आपने डाले कभी गूगल में, तो डायरेक्टली यहाँ पे लेके आएंगे हम भी, वैसे गूगल में डाल के ही हम लोग आए। और इसका स्टोन देखो यार बहुत ही डिफरेंट है, आवाज़ देखो भाई कीड़ों का, ठीक है ना। बढ़ रहे अभी आगे धीरे धीरे आपको दिखाते, हाँ चलो फिर भाई। जो रॉक्स दिख रहे हैं ये जो स्टोन है, बहुत डिफरेंट तरीके के यार, सीरियसली आप जब तक देखोगे नहीं ना खुद के आंखों से तब तक ये कुछ समझेगा नहीं। तो मस्त विजिट है, मस्त विजिट भाई, ऊपर चढ़ गए, ओहो एडवेंचर भी है यहाँ पे, तो झूले वूले भी लगी हुई है। एंट्री फी 10 रुपीज़ है यहाँ पे, देखो सब एडवेंचर वाला भी है, अपने को तो नहीं करना कुछ एडवेंचर वगैरह अभी फ़िलहाल में। बहुत अच्छा है यार, बहुत ही मस्त भाई साहब, ये पूरा मैप है मानिकगढ़ का, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, है ना। तो फिर बढ़ते आगे में, पूरा जंगल है भाई, पूरा का पूरा जंगल है मानिकगढ़ फोर्ट में। आप आते हो तो पूरा जंगल है भाई, जंगल के बीच में से बाहर ही शेर वेर का बैनर लगा हुआ है सावधान करके, तभी हम लोग आए, फिर हम तीन ही जने यहाँ पे मानिकगढ़ फोर्ट में, बाकी की पब्लिक भी बहुत सारी आई हुई है, पर वो देवी माँ के मंदिर में गई हुई है नीचे में बहुत, तो हम लोग ऊपर में आए हैं। तो फिर बढ़ते यार आगे में, धीरे धीरे आपको दिखाते आगे के भी नज़ारे, हाँ जितने भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते। और कीड़ों का आवाज़ सुनो यार कितना भयंकर आ रहा है, ये जंगल के बीच में कीड़ों का आवाज़ है जो रहता है, सुनो। चलो देखो यार अभी आगे के भी नज़ारे, हाँ भाई चल के देख रहे,
भाई डेंजरस है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा। ये तो इंदिरा है, सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है आई थिंक तो, अभी वीडियो के में तो चलना ही पड़ेगा ना भाई, ऐसे क्या मतलब ही नहीं है। फाइनली फाइनली भाई एक स्टेप पूरी कर दिए, दूसरे स्टेप के लिए पता नहीं अभी, दूसरी स्टेप कर लेते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डर को लगता है बट पर डर के आगे जीत है, खत्म मांग रहा। चलो बस इतना ही ठीक है, चलो। सो अभी निकले यार हम लोग, सो निकल गए अभी हम यहाँ से, यहाँ से निकल के आगे मैं बढ़ते हैं। अभी जो अपने भाई है अभिषेक भाई वो लेके जाएंगे जो भी है, क्योंकि उनको पता है, ठीक है ना। देखो क्या कर रहे हो, देखो वो भी वीडियो बना रहे हैं, अभी हम भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, आपको दिखाते आगे के नज़ारे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है भाई, थोड़ा सा संभाल के, बच्चे बच्चे को लेके आता, थोड़ा संभाल के लेके आना, ठीक है। तो चलो फिर आगे में देखो भाई, देखो भाई आगे बढ़ रहे हैं अभी धीरे 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 आगे बढ़ के आपको दिखाते अभी आगे के नज़ारे। पूरा ऑफ रोड है, फुल ऑन जंगल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो देखते चलो ये क्या सिस्टम है यहाँ का, तो पूरा का पूरा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। हाँ जब उसी के पास में शूटिंग हुई थी KGF की, आपने देखे थे क्या? नहीं नहीं, हमारा देखना नहीं हुआ ना, हमने डायरेक्ट निकल गए। अच्छा, ऐसे यहाँ पे भी अभी अपन आए तो मैंने अभी YouTube में जब देखा तब पता चला मुझे कि हम वही थे करके, जहाँ के जबकि माइंस की आसपास। अच्छा, तो अभी अपन जा, टाइगर तो होगा भाई, सीरियसली बता रहा है टाइगर होगा अभिषेक, मिल जाए तो अच्छा नहीं। हाँ मिल जाए तो एक अच्छा तो कॉन्टेंट हो जाएगा जबरदस्त वाला। कहाँ पे क्या है? हाँ एक मंदिर है छोटा सा गणपति का, तो वहाँ पे ना एक पत्थर रखा हुआ है। हाँ, अब वो पत्थर को ऐसे कोनियों से उठा करके रखना पड़ता है। हाँ, और अगर वो रखे तो ऐसा माना जाता है कि अपने जो पाप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। भाई देखते अभी उठा के देखते अपने पाप नष्ट हो जाएंगे क्या। अभी वैसा यहाँ पे है, अब क्या सच्चाई है इसमें वो नहीं पता, लेकिन करने में मजा आएगा, मजा आएगा, एक एक्टिविटी हो जाएगी। वो अभी अपन करेंगे, वही करेंगे। चलो फिर भाई, पर आवाज बहुत ही ज्यादा आ रहा है कीड़ों का, आवाज भाई यहाँ पे कीड़ों का आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, पता नहीं इतना ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे हम लोग डीप में जा रहे हैं तो कीड़ों का आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है नहीं। तो हम लोग ट्रैकिंग करते करते आगे जा रहे हैं, अभी गणेश जी के मंदिर की तरफ में बढ़ रहे भाई ट्रैकिंग करते करते, क्योंकि देखो अभी क्या होता क्या नहीं, मिलते फिर आगे। आगे में गणेश जी का भी मंदिर है, वो दिखा ही है लिख के भाई, शेर का चिन्ह लिखा है, दिख रहा है अभी, है कि नहीं। शेर बाबा बहुत बार दिखे यहाँ पे, शेर तो दिखती होगी ना भाई। आगे तो खड़े ये देखो भाई, ये देखो ना भाई, मध्य चंदा वन विभाग चंद्रपुर, देखो भाई शेरवेर की भी फोटोज लगी हुई है ना, देख लो स्क्रीनशॉट निकल के, सभी के सब शेर है यहाँ पे, शेर भी है, भालू भी है, लेपर्ड भी है, यहाँ पे सारे के सारे यार एनिमल्स है यहाँ पे, यानी कि स्लॉट बियर भी दिखा रहे हैं, टाइगर भी दिखा रहा है, लेपर्ड भी दिखा रहा है, और मंकीज भी दिखा रहे हैं। और भाई आप क्या क्या करना चाह रहे हो? देखो भाई पत्थर, देखो भाई वो काटा चुप गया भाई को, ठीक है, बहुत ही खतरनाक माहौल है ना। तो भाई आप लोग आना चाहते हो तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके आना भाई, कोई गाइड वाइड मिलेगा नीचे तो उसके साथ आना, बच्चों बच्चों के साथ में आने आना यानी कि रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे क्या एनिमल्स एनिमल्स का बोर्ड लगा हुआ है, तो एनिमल्स का बोर्ड जहाँ पे आके आने के थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आना है कि नहीं, तो उसी में मजा भाई है कि नहीं। यहाँ पे एनिमल्स है कि नहीं, सभी एनिमल्स है, कौन से एनिमल्स है? तो शेर भी है इधर, शेर आता है क्या? आता है, भालू भी है, भालू भी है, शेर भी है, और अपना बिप्टिया, बिप्टिया भी है, बिप्टिया भी आते, कभी भी आ सकता है यहाँ पे, कभी आ सकता है, जंगल एरिया है तो आ ही सकता है ना, है ना, आना तो गार्ड अपना गाइड लेके आना, गाइड लेके आने, गाइड लेके आने का भाई। हम लोग तो आ गए मंदिर वंदिर देखने के लिए, मंदिर के चक्कर में हम लोग आ गए, पूरा जंगल एरिया है, पूरा जंगल एरिया, पूरा जंगल एरिया, तो आप लोग गाइड वाइड लेके आना, क्योंकि हम लोग लड़के लड़के थे इसलिए हम लोग आ गए, और फैमिली आती है तो गाइड वगैरह लेके आना यहाँ पे आते हो तो घूमने के लिए, है कि नहीं। तो फिर और आगे के नज़ारे दिखाते हैं। भाऊ आपका नाम क्या? सुहाष मेश्राम, सुहाष मेश्राम जी है अपने भाई, यहाँ के रहने वाली है रहवासी, इनको बहुत नॉलेज है इसलिए हमारे साथ में आए हुए है, ये हमको इन्फॉर्मेशन बता रही है कि कैसा कैसा क्या है यहाँ पे, ये भाई बता रहे हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर, है कि नहीं।
बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे में भी जाएंगे तो आपको नज़ारे दिखाते हैं आगे के। और ये देखो भाई अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना अपना भाई एक्टिविटी कर रहा है। तो फिर मिलते हैं यार आगे में जाने के बाद में भाई। भाई स्लीपर ही है क्या? थोड़ा थोड़ा है ना भाई। संभल के आओ, संभल के आओ भैया, संभल के आओ, संभल के आओ, है ना भाई। आराम से चलने का, हाँ स्लीपर ही है भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ो। नहीं तो भैया पहले ही सब चीज़ दूर रहता हूँ। ऊपर से मैंने सीटीआर के शूज़ नहीं पहने आप तो भी थोड़ा ट्रैकिंग के शूज़ है। आराम से, आराम से। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ है। हाँ प्रॉपर देखना भाई, तुझे तो आ रहा है तो देखना। मेरे साला एकदम नॉर्मल घसे हुए शूज़। हाँ मेरे भी है बहुत बहुत हिसाब में। मेरा यार मेरा तो साला वाइल्ड वाइल्ड क्रॉप का शूज़ है, ट्रैकिंग वाला ही है। ओह क्या यार आगे में जन्नत है क्या? शेरवेर तो नहीं है ना भाई बेटा? सारा मुझे उठा के लेके जाएगा क्योंकि मैं सबसे आगे में हूँ, मैं सबसे आगे में ट्रैकिंग में चल रहा हूँ। शेरवेर बैठा रहा तो मुझे लेके जाएगा भाई 100% मुझे उठा के लेके जाएगा। चलो फिर बताते आगे के भी नजारे यार, पूरा फुल ऑन जंगल के साथ। दे साला ये कहाँ पे आ गए? ये क्या भाई साहब, रानी का किला है बोलते। उतरते हुए चलो, देखते हुए चलो। और अंदर में ये भी बहुत बड़ी खाई है। खाई है क्या? एकदम बड़ी खाई है। ओए चक दे रे मेरे भाई, देख के आओ रे भाई। यहाँ पे शेरवेर तो नहीं है, कहानी भारी हो जाएगा शेरवेर रहा तो। यहाँ पे यार ये क्या लिख के रखे रे, इतना गंदगी करके रखे यार। यहाँ पे लैला मजनू आती है भाई, यहाँ पे लैला मजनू आते, उन्होंने नाम लिख के रखा है प्लीज। अरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है अपने, बहुत पुराने लोगों की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मत लिख के रखो। लैला मजनू को समझा रहा हूँ यार, बेकार चीजें सब। नाम वाम मत लिखो, फोन नंबर लिख के रखे, नाम वाम लिख के रखे यार, कुछ भी यार बेवकूफी मत करो। है कि ना पीछे गलत है यार ये बात, ऐसी मत मत करो यार कुछ भी। आते हो तो कैसा अच्छे से आना चाहिए, ये सब लिख के क्या, कौन सा बड़ा तुम्हारा प्यार जत ये होने वाला है, जता रहे हो अमर होने वाला है। बराबर है, लैला मजनू की जैसे मरना ही है। अमर तो नहीं होंगे, वही तो घूमो फिरो मजे करो, नाम मत लिखो। भाई ये देखो खुफिया रास्ता, भाई ये खुफिया रास्ता है, बंद करके रखे। एक्चुअल में ये खुफिया रास्ता है, ये बंद करके रखे, पर ये झाड़ी झुड़पी लगा के रखे। ये तो खुफिया रास्तों में हम लेके गए होते खुफिया रास्तों की तरफ में, पर ये अलाव नहीं है, तो फालतू जाके अपन अपने ऐसी तैसी नहीं करवाएंगे। यहाँ से आते हाँ चलो, फिर वापस यहाँ से जाना है। हाँ हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं नहीं यहाँ से, यहाँ से जाना है क्या? अरे अपन यहाँ से, चलो 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 भाई, बराबर है ना, स्टेप है, स्टेप है, आराम से। मैं आगे रहता हूँ भाई, शेर शेर उड़ाएंगा तो मुझे उड़ाएगा, मैं आगे रहता हूँ, टेंशन मत लो भाई। कैमरा मैन फोकस करो यार, बढ़ रहे भाई आगे, इधर से देखते हो। रे बाबा रे मेरे बाबा रे, भाई देख के आना रे, ये साल है तो बहुत ही ज्यादा खाई है। ओए होए क्या लेख है यार, ओए क्या तालाब है, वाह। शेर वेर पानी पीने तो आता होगा, गैया है वहां पे तो शेर तो आएगा ही आएगा, कितना भी कुछ हो जाए। आ जाओ आ जाओ, भैया डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक नंबर आ जाओ। क्या लग रहा है यार, हो ना क्या लग रहा है, कूद के नहीं भाई ताला, नहीं रे भाई नहीं नहीं, रीतता ताला कूद के, यानी कि पैर वैर मुरगाड़ गया तो हो गया काम भारी। ना रुको तो, कूद काट के नहीं जाएंगे। चिंचे का झाड़ है की है भैया, चिंचे लगेगा देखो बरा भाई। हमें चिंच का झाड़ मिला जो इमली रहती, इमली का पेड़ मिला, तो इमली देखते लगी है क्या? नहीं तो बंदर नहीं भाई, कूदो मत भाई, भाई कूदो मत भाई, प्लीज कूदो मत यार, आप हमारे भाई हो, हमारे साथ हो यार, है कि नहीं, प्लीज यार कूदो वगैरह मत। इमली लगी है क्या? देखो पूरी बंदरों ने खा के रख दिया, आदमी आराम से उतर सकता नहीं। नहीं नहीं भाई नहीं, सर्कस मत दिखाओ, सर्कस मत दिखाओ भैया, सर्कस मत दिखाओ यार भाई, इतने नीचे में आप कूदोगे साला, कुछ पैर वैर को हो गया, कुछ हो गया साला फालतू का, लेने के देने ड्यूटी रहती कुछ रहता है। पहले एक इमली नहीं छोड़े यार बंदरों ने हमारे लिए, एक भी इमली नहीं छोड़े बंदरों ने। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, अभी नीचे उतर रहे हैं। हाँ डर डर जाओगे वे मत रे भाई, गिर गिर गए डायरेक्ट, नहीं ना भाई डर लगता ना भाई। चलो चलो अंदर में भाई, ये गंदगी देखो पब्लिक ने क्या लिख के रखा है यहाँ पे, लैला मजनू ने क्या भयंकर यार, सीरियसली यार।
चलो अंदर चलते अभी, खुफिया रास्ते की तरफ में हम लेके जा रहे है कि ना। तो हम अभी खुफिया रास्ते की तरफ में लेके जा रहे हैं, एंजॉय करो यार खुफिया रास्ता है कि ना। अंदर में शेर भी रह सकता है, शेर भी रह सकता ना अंदर, अंदर में शेर भी रह सकता है बोलते। ए भाई अभिषेक, अंदर शेर रह सकता है बोलते भाऊ। ये साला ये तो बहुत ही भयंकर है, अंदर जाना अपने को। लाइट लगाना पड़ेगा, लाइट लगाओ, टॉर्च लगाओ, चलो लेट्स गो, टॉर्च लगा के चलो। हाँ टॉर्च का फर्क है यार, छह जी देख के चलो। शेर भी रह सकता भाई, शेर का शेर है ना भाई ये। चश्मा निकाल के रुक जाओ जी, आराम से श्रेय जी देख के। हाँ हाँ तालाब है तो आएगा ना भाई, तालाब है तो आएगा जी पानी पीने के लिए भाई। देख क्यों उतरना बाबा, इतना मत डर, मैं नहीं डर रहा भाई, मैं उतरने के लिए डर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा। तो उसमें क्या है, तो ये रानियों का नहाने का होगा ये, ठीक है ना। रानी कुंड है क्या भाई? ये रानी कुंड है जहाँ पे रानियाँ लोग नहाने के लिए आती थी। अभी पूरा गंदगी करके रखा है लैला मजनूओं ने, बॉटल वॉटल फेंक के रखे है। लैला मजनू की वजह से परेशान है पूरे हिस्टोरिकल प्लेस, इनकी वजह से नहीं क्या, जितनी भी इंडिया की हिस्टोरिकल प्लेस है ना भाई, पूरी की पूरी बैंड बजा के रखा है लैला मजनूओं ने। क्या बेसहाला क्या फेंक के रखा, नहीं नहीं दिखा सकता भाई, इतनी गंदे गंदे चीजें यहाँ पे फेंकी हुई है, सीरियसली वो नहीं दिखा सकता मैं वीडियो में। ये लैला मजनू को समझाओ यार प्लीज। ए भाई लैला मजनू ने क्या फेंक के रख दिया दोनों यार, ये गंदगी चीज है यार, मैं क्या बताऊं अभी, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो बेड छी कुछ भी यार। कैसे कर सकते क्या इतना गंदा काम, इतना गंदा काम करते यार यहाँ पे आके, कुछ भी कुछ भी कुछ भी तो साला इतने ओयो है ये है, जाओ यार इनके पीछे बैल दौड़ा देना चाहिए। हाँ उनके पीछे में बैल बैल गाय गौ माता दौड़ा देते, देखो भाई कितने सारे गौ माता है, सांड सांड दौड़ा देते। प्लेसमेंट एक नंबर दिख रहा है, हाँ एकदम प्लेसमेंट है ना, बढ़िया एकदम है ना। अरे वाह चलो आ जाओ। ए भाई वो लोमड़ी है, वो लोमड़ी हो नहीं कुत्ते है, मुझे लगा लोमड़ी है भाई। क्या हाँ, क्या जबरदस्त दिख रहा है यार भाई, नजारा देखो कितना मस्त दिख रहा है, इधर का प्लेसमेंट मस्त है एकदम। हाँ ना इधर का भी मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, क्या बात है। हाँ फोटो लेते, सबका फोटो लेना एक भाई। आप बोल रहे पुराने लोगों को, मेरे को पुराने लोगों में इंटरेस्ट होना, यहाँ पे साले पैकेट फेंक के रखे यार लैला मजनू ने, ये कौन सी बात है, उनको कुछ नहीं बोलेगा, उनको ज्यादा बलते चीजों में इंटरेस्ट है। काम शास्त्र पढ़ाओ कोई, बहुत जरूरी है ये चीज, काम शास्त्र पढ़ाओ कोई पहले। हाँ ना उनको लैला मजनू के खजुराव लेके जाओ, कामा सूत्र पढ़ाओ, वही तो। और ये कोई मतलब वल्गर नहीं है, वल्गर नहीं है भाई, ये सच्चाई है, सच्चाई है। कामा सूत्र पढ़ोगे तो ही तुम समझोगे हाँ असली मतलब क्या है, मतलब क्या है। यहाँ पे आके कोई मतलब ही नहीं है फालतू के काम करके, वही तो। ये देखो भाई पुराना तोप, 10,000 साल पुराना तोप मिल गया भाई, तोप चलाओ क्या भाई। हाँ चला चल, डाल रहे डाल अंदर पीछे थोड़ा, डाल रहे भाई गोला डाल दे जल्दी, डाल डाल दे श्रेय जी, डालो यार डालो डालो जल्दी गोला डालो। ले भाई बे बे सच्ची गोला डाल रहा है, ले भाई डाल दे डाल दे। अरे साला फूटेगा भाई, मिसाइल साइड में हो जाता नहीं तो मुझे लेके उड़ जाएगा वे में है कि नहीं। बहुत ही लंगूर बहुत है भाई, लंगूर बहुत है, है क्या है ना, गोले डालने का है बोलते तो मजा आ जाएगा इसी से। जाके दिखा रहे अंदर से, श्रेय जी जाके दिखाइए ना। नहीं यहाँ से डाल जाता है, यहाँ से गोला निकलता है, ये गोला यहाँ से निकलता है और वहाँ से डालते हैं, उधर से डालते हैं। उसी के बाकी बाकी का नहीं है क्या, कोई तीन साल से और बड़ा हुआ ये, मैंने घुमा है ना अपने को दिख जाता है थोड़ा, उसका जो बाकी रहता है यहाँ जगह रहेगा। बताओ बताओ कहाँ पे छेदा, कहाँ पे बुझ गया होगा, बुझ गया क्या, जंग जंग लग गया ना, समस्ती जंग सब। रुको मैं नहीं निकाल देता हूँ मैं, लकी डाल भाई रखते, ये देखो भाई निकाल रहा हूँ अभी, अंदर गया है अभी, देखते हैं डायरेक्ट उधर से निकलेंगे गोला भर भर आते हुए। चलो बोले चलो फिर आगे का दिखाते नज़ारे। देखो भाई क्या अद्भुत प्यारा सा नज़ारा है किले का, बहुत ही प्यारा नज़ारा है।
क्या हो गया था बोले आप? क्या हो गया था? कारागिरी यहाँ की, हाँ अभी के जो आर्किटेक्चर है, हाँ इतना अच्छा सोच नहीं सकते, बराबर इतना अच्छा मकान नहीं बना सकते, हाँ मजबूत नहीं बना सकते, हमें तोड़ जाते, नॉर्मल सी बात है उसमें। हाँ अपन घर में क्या करते, इसमें ये लगाते अपना, इतना कुछ सपोर्ट लगाते, सलाह करते, हाँ कुछ लगाते, ये पुराना है इसमें कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, यानी पुराने जमाने में जो कारागिर थे, हाँ कितने अच्छे थे कारागिर पुराने जमाने में, ये सपोर्ट भी हो सकता है आजू बाजू में देखो तो लोग, वो भी हो सकता है। मिल गई क्या 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 बोला था अभिषेक? अभिषेक तकिया कलाम, ये नॉर्मल सी बात है। हाँ नॉर्मल सी बात है, तकिया कलाम में कोई दिक्कत नहीं है वाला। हाँ हमको भी नहीं ना भाई, क्या सुभाष भाई क्या कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना भाई, सब गया भाई, भाई को बैठने दे भाई, ये इसको शुगर ये पिलाओ भाई, ORS का घोल पिलाओ, है ना घर पे है, बाइक में है ना, एक स्पॉट बाकी हो भाई, थक गया श्रीजी जी, श्रीजी जी आगे में बैठ जाओ, नहीं तो यही बैठ जाओ आगे में, खाट नहीं है क्या? हाँ वो मूर्ति के पास में, हाँ वहाँ बैठते हैं, ठीक है हाँ, फिर वहाँ से अपने श्रीजी जी, अरे आराम से, आराम से श्रीजी जी, आराम से। ये है कि मिल गया क्या रास्ता? हम आगे, मैं आपके पीछे शेर आएगा, पीछे जान दूंगा। अच्छा शेर आया तो आप पीछे तो जान दोगे, थैंक यू सो मच सुहास भैया, थैंक यू हमें बचाने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने थक गए भाई, इतना थक गए, मैं क्या ही बताऊँ, आगे बढ़ते जाएंगे, अभी बढ़ना भी गीला हो गया मेरा पूरा, हे भगवान। चलो क्या बोले, जब आप वहाँ पे नहीं थे क्या? हाँ जो अपना सीढ़ी पे चल रहे थे क्या? हाँ तो वहाँ से ये एरिया देख रहे थे आप? अब ये एरिया आ गया। अच्छा चलो भाई, अभिषेक भाई चलो भाई, पहले श्रेय जी को बिठाओ कहीं पे अच्छे से जगह में, थोड़ा देर के लिए सुला दो, नहीं नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा देर सुला दो उसको, बड़ी रिलैक्स हो जाएगी। कोबरा रहेगा इधर? कोबरा है क्या? हाँ शेर वेर का है क्या चांसेस? कुछ शेर का तो बहुत ज्यादा है, काटे है सुहास भाऊ, काटे है, कहाँ काटे, ऐसा 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 कर दो ना, ऐसा ऐसा कर दो, हो जाता ये काटे का पेड़ ना भाई मेरे, उतना मेरे हाथ में बहुत कुछ है, मेरे हाथ में भी भगवान का बेल का पेड़ है बोला भाई मेरे, काटा बोल दे जैसे लगे तीन पत्ती वाला। हाँ क्या तीन पत्ती वाला है ना? हाँ तो उसमें थोड़ा रहता ही है वो। बेल का आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, भगवान का भगवान के पेड़ का, शंकर जी का पेड़ है। हाँ शंकर जी का पेड़ है, कैसी उनकी हालत खराब हो जाएगी, कोई शौक वगैरह नहीं है उनको? भाई बोल रहे कि मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं डरता कभी कोई भी जंगल में जाने से भाई, किसी और साफ बात बता, ये तो आपको भी मालूम है, अभी आगे बढ़ रहे फाइनली कुछ बीच में से निकल रहे, थोड़ा ऐसा लगा था कि रास्ता वास्ता भूल गए, बट नहीं भूले, आगे हमें देखते हैं अभी, है कि ना? चलो फिर रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए, रिटर्न जाना पड़ेगा। हाँ नहीं रिटर्न नहीं जाना पड़ेगा, ए भाऊ रास्ता बताओ, रास्ता बताओ आप, ठीक है आप रास्ता बताओ, फोन रख दो थोड़ी देर के लिए, भाभी जी को बोलो बाद में कॉल करो, रास्ता भूल गए भाई, है कि नहीं भाई? रास्ता भूल गए जंगल के बीच में, हम लोग रास्ता भूल गए, ये भाई को रास्ता पता है तो अभी ये दिलाएंगे बाहर में, लेके चलो यार, रास्ता भूल गए हमारे जैसी हो गई शेर जी की हालत, प्लीज यार चलो आगे चलो आप, चलते रिटर्न, रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं, रिटर्न वापस गए और भूल जाएंगे, रिटर्न नहीं जाएंगे, नहीं नहीं रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं, मैं रिटर्न नहीं आऊँगा, मैं रिटर्न नहीं आऊँगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रास्ता भूल गए जंगल में अभी, अच्छा हो कि अपने अपन सामने चले आए, मेरे अंदर से सामने चले आए, ऐसा लग रहा सामने सामने आए, ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं भाई इधर से, तो फिर आप रास्ता कौन सा बोल रहे, तो क्योंकि अपने पास में टाइम कम है, 2 बज रहा है और भरी भर धूप हो गई, पानी भी नहीं है अपने पास में, पानी भी नहीं है हमारे पास में, पानी नहीं कुछ नहीं, पूरे खाली बोतल है और प्यास भी लग गई है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है यार, कैसा तो भी लग रहा है, और श्रीराज भाई की भी बहुत ज़्यादा यानी कि एनर्जी लेस हो गए, इनको इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाना पड़ेगा, डिहाइड्रेट हो गए पूरा का पूरा, तो अभी देखते भी आगे में जाने के बाद में क्या होता क्या नहीं यार, अभी रास्ता भूल गए, भगवान जाने अभी क्या होने वाला, हमारी किस्मत जंगल में ही सोना पड़ेगा या कहाँ क्या जाना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, तभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो देखो वो एक दीवार है, हाँ वो एक वहाँ किला है, हाँ
आगे तो नहीं आए, अपन ज्यादा आगे नहीं आए, अपन इधर ज्यादा चल के आए ना। अब फर्स्ट टाइम में अपन क्या किए, वहां से अपन इधर घुसे थे, इधर तो अपन आए नहीं थे ज्यादा। रिटर्न ही जाने के लिए बोल रहे, बात समझे कि नहीं मेरे पास है कि नहीं, इधर तो अपन आए नहीं थे उतना ही कि नहीं, उधर से उधर गणेश जी के पास में एक जो रास्ता कट रहा था ना, गणेश जी के पास में चलते वही रास्ता दिखाएंगे अपने को। चलो भाई, सुरेश भाई कहाँ पे चलना है? इधर चलेंगे यार। चलते वहाँ बैठ भी जाएगा वो शेड के अंदर में। अपने को गणेश जी के पास जाना है भाई, बस खत्म करो। चलो पट पट रास्ता पता है ना अभिषेक? चलो गणेश जी के पास में चलो, वहां से फिर अपने को रास्ता मालूम पड़ जाता है, वो दिखा देंगे अपने को रास्ता। चलो अंदाजे में घुस गए कहीं भी आड़े टेढ़े जगह में भाई। अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो ठीक है, बैड एक्सपीरियंस रहा तो क्या क्या करेंगे है कि नहीं? बात तो ठीक करेंगे। आओ चलो वहां जाकर बात कर लेते। सुहास बाबू अपने को रास्ता मांगता है, बाकी अपने को कुछ नहीं करने का। मिल जाएगा ना भाई मेरा रास्ता, रास्ता मिलेगा। गणेश जी की मूर्ति दिख गई क्या? चलो आगे, यहां से दिख रही है मेरे को। यहां से दिख रही है मन की आंखों से? अच्छा मन की आंखों से दिख रही है। क्या मालूम साला किसके जैसे, काल पिक्चर वाला कहानी हो सकती है। आप ही होंगे ना तो काल वाले जो है, अरे विलन के रोल में, और हम हीरो यहाँ पे, हमारे तो वाटिक लग जाएंगे इसी से तो। नहीं ना ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। हाँ अभी तो फिर कुछ कहानी बताना पड़ता भैया। हाँ काल के जैसी हो जाएंगी, काल की स्टोरी की जैसी हो जाएंगी भाई। आप अजय देवगन हो गए और हम हीरो हो गए, बस हीरोइन नहीं, हमारे साथ में यही थोड़ी कमी है, और मजा आ जाता है कि नहीं अभिषेक? बस यार चल रहे, क्या मालूम क्या होने वाला, साला जंगल में रास्ता भटक गया। मेरा दिमाग खराब होता है जब जंगल में रास्ता भटकते हैं, तो भाई हम बहुत बार भटके हुए हैं और मेरे पास में कोई सोर्सेस नहीं है, नहीं मैच बॉक्स है, नहीं लाइटर है, नहीं पानी है, नहीं कुछ है, पूरा एम्प्टी है हम लोग है कि नहीं। और पानी प्यास भी लग रही है, 40-45 का टेम्परेचर है भाई, दोपहर के 2 बज गए एग्जैक्ट, और हम लोग चलते चल रहे, पानी पूरा हमारा खत्म हो गया, बोतल देखो पानी की, खत्म हो गया पूरा खत्म, खेल खत्म हमारा। हम बढ़ रहे यार, अभी दिखाते हैं आपको भी अच्छे अच्छे नज़ारे और आगे के क्या होने वाला है, अभी हमारे साथ में हमको भी नहीं मालूम है कि नहीं, बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे आज के दिन में वो भी नहीं पता, क्योंकि नेटवर्क भी डाउन है, क्योंकि भर जंगल में तो नेटवर्क पूरा डाउन है। ठीक है क्या हो गया भाई? चलो चलो काटे नहीं, बेल का पेड़ है, कोई वांधा नहीं। शंकर जी का है पेड़। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, बोल रहे मजा ले रहे हो भैया सुहास बाबू, हमारी मजा ले लो अभी तुम, नॉर्मल बात है, ठीक है मजा ले लो बस हमारी, अभी क्या लेने वाले हो हमारे से, जो रस्ते वही रस्ते वापस जाएंगे, उसमें क्या है ना। पर गणेश जी का मंदिर दिख गया तो अच्छा हो जाएगा ना भाई। है ना सामने मंदिर है ना सामने। चलो फिर देखते हैं भाई, आगे में टर्निंग में मंदिर है बोलते, अभी देखते हैं यार, क्योंकि मुझे रस्तों का नहीं क्या, सबसे ज़्यादा मेरा वीक पॉइंट है, मुझे रस्ते समझ में नहीं आते स्पेशली जंगल के। जो भी अभी अभिषेक भाई है, सुहास भी है, इन दोनों को नॉलेज अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे, क्योंकि मैं रास्तों के मामले में, जंगल के रास्तों के मामले में मैं दिमाग नहीं दौड़ाता भाई ज़्यादा, क्योंकि बुलबुल ही है जंगल, बोले तो बुलबुल ही है, जंगल से कभी खिलवाड़ मत करो ठीक है ना। कभी कभी मजाक भी आंख पे पड़ी जाती है, बी केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं है, प्यास भी ऐसे लगा है, पूरा मुंह सूख गया, तभी बात कर रहे हैं यार ठीक है, थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेना, गलती होती तो हमारे से ठीक है। तो बढ़ते यार आगे ना, बताते अच्छे अच्छे नज़ारे जंगल के बीच के, जो रास्ते भूल गए। पानी नहीं मिला तो आम का पत्ती खा लो, आम का पत्ती खा लो, वो भी सही बात बोले, तो पत्ती खा लो है ना, उसमें भी अपना प्यास बुझ जाता है। बुझ जाता क्या? बुझता ना, क्यों नहीं बुझता, कैमरा पीछे क्यों नहीं बुझता, जो बात गणेश जी की मूर्ति बावड़ी आ गई क्या? हाँ ठीक है, बावड़ी नहीं है। तो गाइस हमको रास्ता मिल गया है, ये है गणेश जी का मूर्ति है ना, ये मिल गया, ये रास्ता है, कौन सा रास्ता है ये है ना, ये वाला, ये वाला है क्या, ये वाला रास्ता है भाई जाने का, तो फिर जाते जाने का रास्ता ये है। वाटर। नहीं,
हाँ बराबर है, जाने का रास्ता ये है और ये जो रास्ता कट रहा था ना ये रास्ते से अपने को पूरा सर्किट कम्प्लीट। नहीं 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 इधर से चलेंगे इधर से ही है। बोर्ड देखे नहीं। हाँ 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 नहीं ये बोर्ड भी साला जैसी मरियल जैसी हो गया मीडिया सब कुछ सारा। ये जो वॉच वाटर बोल रहे ना वो गड्ढे वाला। हाँ यही भी है। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से। हाँ आइए पार्ट टू करने के लिए आएंगे। ये नीचे में है इधर मुझे रास्ता मिल गया। हम आगे बढ़ रहे भाई, बहुत थक गए, थोड़ा रेस भी किया। श्रीयश भाई भी थोड़ा अभी फील अच्छे कर रहे हैं, फील लगाने की उनको भी थोड़ी एनर्जी आ गई है। तो अभी आगे बढ़ते और डायरेक्ट नीचे उतरने के बाद मैं आपसे बात करेंगे यार। हम भी बहुत थक गए, बात भी करना नहीं, बहुत प्यास लगी है, क्या करें डिहाइड्रेट होने की वजह से। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आपको दिखा देंगे नज़ारे नीचे उतरने के बाद में। चलो फिर। तो गाइज अभी हम नीचे में उतर गए भाई, फोर्ट से नीचे में आ गए और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए यार, बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है हमको। तो प्यास लगने के बाद में कैसा यार, अभी पानी वानी पियेंगे, एक आध लीटर तो पानी पियेंगे ही पियेंगे हम, कुछ भी हो जाए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। पानी वानी पीने के बाद में एनर्जी आ जाएंगी। तो फिर ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आओ यार, मेरे हिसाब से नहीं क्या ये वाले फोर्ट में आप आओगे ना मानिकगढ़ फोर्ट में, तो प्लीज़ यार विजिट दे दो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। विथ फैमिली आती है तो पानी वानी का अच्छे से लेके आना भाई, क्योंकि नहीं क्या यहाँ पे छोटे बच्चों को तो मत लेके जाना ऊपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को मत लेके जाओ, जो बड़े लोग आते हैं तो यहाँ पे पानी वानी की सोए यानी कि पानी के साथ में जाओ पानी लेके, क्योंकि ऊपर में जाने के बाद में थोड़ा बहुत रास्ता भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बट पर यहाँ पे आओ यार, मस्त विजिट, बहुत अच्छा फोर्ट है, बहुत बुलबुले यह भी है और टाइगर वाइगर भी रहते हैं, लेपर्ड भी रहते हैं, सारे के सारे एनिमल्स रहते हैं, कभी भी टकरा सकते हैं। तो प्रिकॉशन लेके आओ और इन्जॉय करो यहाँ पे आने के बाद में। मानिकगढ़ फोर्ट में चंद्रपुर के पास में है भाई, कभी गूगल मैप में डालो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। और बहुत बहुत मजा आई भाई, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, पसीना आ गया, बहुत कैसे तो भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है और मज़ा हो गई ट्रैकिंग वैकिंग के साथ में। लेकिन फैमिली भी आ सकते हैं, पर बच्चों को लेके आने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बच्चों को मत लेके आओ ये टाइम में। और ठंडी के मौसम में भी आते हो बच्चों को मत लेके आओ, बहुत बड़ी ट्रैकिंग है, टेंशन वाला काम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं धूप में और 45 का टेम्परेचर था। तो प्लीज़ यार मजे करो, ऐश करो, पैसा कमाओ और खुश रहो, बस मेरा बोलना ये है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और ये व्लॉग इसके बाद का जो भी रहेगा वो कंटिन्यू यहाँ से नागपुर घर तक के का रहेगा, यानी कि तीन ब्लॉग रहेंगे, ये लास्ट ब्लॉग रहेगा नागपुर तक के का। और ब्लॉगिंग करते चलते जय हिंद जय भारत।